नेचुरल फिनोमिना क्लास 8 चैप्टर 15। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ लाइटनिंग कंडक्टर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लाइटनिंग एंड थंडर एंड यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। तो दिस चैप्टर वी डील अबाउट दिस टॉपिक। एवरीवन नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वंस लाइफ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड इवन एज साउंड, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। इन दिस मॉडर्न एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव इवन फॉर अ सिंगल डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वी सी द स्ट्रीक ऑफ लाइट ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। वी ऑल्सो सी स्पार्क्स इन इलेक्ट्रिक प्लग समटाइम। दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। दीज स्पार्क्स और स्ट्रीक ऑफ लाइट हैव सिमिलर नेचर एंड अकर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। एंड टू लर्न अबाउट लाइटनिंग लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, दिस इज कॉल्ड करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट फ्लोज थ्रू वायर्स। इलेक्ट्रिसिटी विच डज नॉट फ्लो तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डॉक्टर गिलबर्ट शोड दैट अम्बर रबिंग विद कैट स्किन एंड ग्लास रॉड रबिंग विद सिल्क, इट डेवलप्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग टिनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर, ड्राई स्ट्रॉ एंड ऑल्सो डेवलप सिमिलर प्रॉपर्टीज वेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। द बॉडी विच पॉसेसिस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, दिस इज कॉल्ड चार्ज बॉडी। द बॉडी विच डज नॉट पॉसेस एनी चार्ज ऑन इट तो दिस इज कॉल्ड अनचार्ज बॉडी। नाउ द इनसाइड बॉक्स, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी। ओनली इंसुलेटर कैन बी चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम्स, वी नो दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। दीज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ fixed orbits. The number of electrons is equal to the number of protons. Hence, an atom is electrically neutral. Besides proton lie in the nucleus. Protons, they are present inside the nucleus. So, they bound firmly. Whereas, electrons lie outside the nucleus. So, loosely bound and therefore can be removed by rubbing, conduction or induction. Rubbing, conduction or induction, these are the method of making an object charged. This causes charges to occur. Rubbing, conduction, induction, these method causes charges to occur. And this is static charges. Movement of electrons through one body to another causes transfer of charges. Now let us perform the following activity. Activity 1. Our aim is to show that a body can get electrically charged on rubbing. For this activity, we require only a plastic comb and small pieces of paper. Now the procedure. Rub a plastic comb in your hair several times. And both comb and your hair should be dry. The condition is hair and the comb should be dry. Now hold the comb above small pieces of paper. Now what happens? Observation, then you will notice that bits of paper cling to the comb. Now from this activity we conclude a charged body attracts bits of paper. You can try this activity with a plastic scale also. Activity 2. Aim is to make the balloon electrically charged. For this activity, materials required some balloons. Now procedure, inflate a balloon and rub it against your dry hair.
Now gently place it against a wall. The balloon will stick to the wall. Now rub another balloon in a similar way. Hang both the balloons close to each other. Now observe. Observation is you will find that the two balloons push each other away or repel each other. From this activity, the conclusion is it is because the balloon gets electrically charged on rubbing. So the two balloons repel each other.